मेरा नाम निकिता जोशी है। मुझे पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी और पेन भी होता था। जब डायग्नोज करवाया गया तो मुझे एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम निकली। मैंने अपना ट्रीटमेंट उसके बाद साईं बाबा हॉस्पिटल में करवाया, जहाँ पे मैंने डॉक्टर उमा मिश्रा मैम से कंसल्ट किया। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किया, साथ में वहाँ पे वर्कशॉप के अंदर मेरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की। डॉक्टर का सबसे पहला ड्यूटी होता है कि वो पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट करे, फ्रेंडली बिहेवियर रखे। उसमें मैडम डॉक्टर उमा मैम का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा था। चाहे मेरे कितने भी क्वेश्चन हो, चाहे मुझे कितना भी डर लगे, उन्होंने बहुत अच्छे से सारे सवालों के जवाब दे के मुझे सेटिस्फाई किया और बहुत अच्छे से मेरी सर्जरी की। आज मैं बहुत ठीक हूँ और थैंक्स टू उमा मैम, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से मेरा ध्यान रखा और उन्होंने मेरी सर्जरी की। साथ ही मैं साईं बाबा हॉस्पिटल के लोगों के लिए, स्टाफ के लिए भी कहना चाहती हूँ कि वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा। वहाँ की क्लीनिनेस, वहाँ का बिहेवियर, वहाँ का स्टाफ, सारा चीज़ बहुत अच्छा था। तो अगर किसी को भी अपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवानी है या अपने एंडोमेट्रोसिस से प्रॉब्लम रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट करवाना है, तो वो साईं बाबा हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर उमा मिश्रा मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।